हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक मेट। तो गाइस, आपने ये चीज़ तो देखी होगी यार, इनसफिशिएंट स्टोरेज। ये भी एक दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है जो बहुत से लोग इससे सफ़र करते हैं, बीमार हो जाते हैं। और सब लोग बीमार नहीं होते, वैसे इनका मोबाइल बीमार हो जाता है इस परेशानी की वजह से। बहुत सी बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार फोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर दो तो वो स्पेस आ जाएगी हमारे मोबाइल में, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो वहीं के वहीं प्रॉब्लम अटकी रहती है, इनसफिशिएंट स्टोरेज दिखाता ही रहता है हमारा फ़ोन। तो गाइस, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको करना क्या है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, फॉलो कर लेना। तो करना क्या है आपको, टैप करना है इस ऑप्शन पे, इनसफिशिएंट स्टोरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप करोगे तो होगा क्या, आपके फ़ोन स्टोरेज से आपकी फाइल्स मूव कर दी जाएंगी कार्ड में। तो मेक श्योर करना क्या है, तुम्हारे कार्ड डला हो तो 16 GB का कार्ड तो डाल कर ही रखना, तो बहुत सारी फाइल्स मूव हो जाएंगी, इससे तुम्हारा फ़ोन स्टोरेज थोड़ी खाली हो जाएगी। एक स्टेप ये। अगले स्टेप करना है कि आपको वो जाना है आपको यूट्यूब में। आपके यूट्यूब में जाने के बाद आपको आपके डाउनलोड्स वाली वीडियोस कुछ डिलीट करना है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो परेशानी आ जाती है गाइस स्टोरेज वाली। तो आप ये मत सोचो कि यार यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करे जाओ भाई, वो तो ऑफलाइन हो गई। ऑफलाइन हो गई भाई तो कहीं तो सेव होगी वीडियो, तो वो फ़ोन स्टोरेज में जगह लेती है, ठीक है ना। तो आपको जो ज़रूरत वाली वीडियोज़ नहीं है वो डिलीट कर देना है पूरी तरीके से, ठीक है गाइस। ये हमारी दूसरी स्टेप होगी। अब क्या करना है, आपको जाना है फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है क्लीन अप का। क्लीन अप पे जाने के बाद आपको एक रिकमेंडेड क्लीन करना है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं अभी क्लीन हो रहा है, तो ये अब क्लीन हो चुका है हमारा रिकमेंडेड क्लीन, जो वो होता है जो हमें मोबाइल बता रहा है कि भाई इतना क्लीन कर लो। इसके बाद करना है आपको एक फुल क्लीन अप, तो आप फुल क्लीन अप का भी ऑप्शन देख सकते हैं, आपके मोबाइल में भी आ जाएगा क्योंकि सेम एंड्रॉयड ही है, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरे इंटरफेस से आएगा, लेकिन आ जाएगा वो ऑप्शन आपके फ़ोन में भी। तो आप फिर फुल क्लीन अप कर लो एक, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इससे क्या हुआ, आपकी बहुत सारी स्पेस अब खाली हो गई है, तीन चार चीज़ें हमने कर ली हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आप कर सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, आपको जाना है अपने व्हाट्सएप में, जैसा कि मेरा व्हाट्सएप देख सकते हो। ये भी एक वजह होती है जिससे फ़ोन भराता है, तो इसमें कितने सारे मैसेजेज हैं, मतलब भाई हज़ारों में, तो ये भी कोई जगह ले रहा है स्टोर होने के लिए, क्योंकि मैं अगर इसको एक साल बाद भी देखूँ तो ये मैसेज मुझे मिलेंगे। तो आपको वो मैसेजेस भी डिलीट कर देना है जो आपके यूज़ में नहीं है, आपके काम के नहीं है, तो वो भी आपकी मेमोरी को खाली कर देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये करने के बाद आपको एक और चीज़ करना है गाइस, बहुत सिंपल है। और भी जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ होते हैं आपके व्हाट्सएप से रिलेटेड, यानी हम ग्रुप्स में होते हैं तो डाउनलोड हो जाते हैं कभी कभी, तो वो आपको डिलीट कर देना है, इमेजेस को डिलीट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा। और कुछ ऐप्स होते हैं जैसे टिकटॉक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इनको भी इंस्टॉल कर दो। मजाक कर रहा हूँ भाई, अगर कोई टिकटॉकर बैठा है वहाँ पर, तो ऐसे फालतू ऐप्स भी इंस्टॉल कर देना। तो यही दिक्कतें होती हैं जो स्टोरेज को भरती हैं मेनली मोबाइल की। तो ये सब कर लोगे तो यार मुझे लगता है कि खाली हो जाएगा तुम्हारा मोबाइल और बहुत सारी स्टोरेज उसमें आ जाएगी। तो यार कर लो खाली, और बताना अगर ये वर्क करे तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे लिए करा था इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको, तो ट्राई करके बताओ मुझे। और बस यार इतना ही, तस वाली वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, और शेयर कर देना इसको, और कमेंट कर दो भाई प्लीज़, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल मैंने शुरू में दी थी, वाली सब्सक्रिप्शन की ना लाइक की, तो यार आप थोड़ी हेल्प हुई तो कर देना। तो मिलता हूँ आपसे वीडियो।